दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज तारीख है 14 जनवरी 2022। आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस दिन लोगों के घर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है, लोग उसको खाते हैं। 14 जनवरी के दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और इस दिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और लोग इस दिन दान भी करते हैं। तो आज हम राम जानकी मंदिर गेट के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे खिचड़ी तैयार की जा रही है और लोग खा रहे हैं। तो आइए हम राम जानकी मंदिर में चलते हैं और आपको पूरा लाइव शो दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खिचड़ी को खा रहे हैं। हम यहाँ पे कैमरामैन से कहेंगे जरा आप यहाँ पे इसका लाइव दिखाइए कि यहाँ पे लोग कैसे खिचड़ी खा रहे हैं और यहाँ पे कितने लोगों का जमावड़ा हुआ है। ये आज कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है और आयोजक मंडल द्वारा यहाँ पे लोगों को हर साल कंबल का भी वितरण किया जाता है। फिलहाल इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे हुई है और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इस मंदिर के मालिक हैं जिनके पूर्वजों द्वारा यह मंदिर करीब 100 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पे पुरुषोत्तम दास गुप्ता भी मौजूद हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ के मालिक, जो मंदिर के मालिक हैं पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी, उनसे वार्ता करेंगे और इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आके जो भी मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए हम चलते हैं, पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी से वार्ता करते हैं। आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। हाँ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह राम जानकी मंदिर एक सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी आकर अपना मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज अवसर है 14 जनवरी 2022 का और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है। आप इस मंदिर के बारे में, क्योंकि आपके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, तो आप इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। राम जानकी भोले शंकर मंदिर का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा लगभग 200 वर्ष पूर्व कराया गया था। बीच में कुछ अतताई शक्तियों ने इस पर बलात् कब्जा कर रखा था, जिसको किसी तरह से वर्ष 2078-79 के बीच इसको मुक्त कराया गया। तब से इसकी व्यवस्था देखभाल यहाँ चलिए ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। मंदिर जो है सबका होता है और इस पर जो कब्जा करता है वो उसका अंजाम भुगतता है, ये दूसरी बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं इस मंदिर के आस्था के बारे में कि इस मंदिर में जो भी मत्था टेकता है, क्योंकि यह मंदिर सिद्ध मंदिर है, आप इस बारे में बताइए। इस मंदिर का तो ये प्राचीन इतिहास रहा है कि यहाँ लोग तमाम दूर दराज से, आज नहीं आज सैकड़ों वर्ष से, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और जो मन्नत मांग के जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप दर्शकों को इस खिचड़ी भोज के बारे में बताइए कि यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन लगभग कितने सालों से किया जा रहा है और यहाँ पे हर साल कितने भक्तों का जमावड़ा लगता है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप इस बारे में दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए। इस मंदिर पर विगत काफ़ी कई वर्षों से खिचड़ी भोज और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हमेशा 14 जनवरी को ही किया जाता है और यहाँ की महत्व है, हजारों की संख्या में लगभग 11 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक चलता रहता है। लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपनी मन्नतें करते हैं, आते जाते रहते हैं और इसका आयोजन जन सहयोग से मोहल्ले के लोगों से होता है। आप दर्शकों को इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि आप पुराने हैं और उम्रदराज भी हैं और आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी भी, आप दर्शकों को बताइए कि इस मंदिर में कैसी कुछ कहानी हो, आपके पास कोई आस्था हो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये मंदिर वास्तविक रूप से आस्था का केंद्र है और ये सिद्धपीठ मंदिर है। मंदिर का इतिहास ही बहुत विचित्र है और यहाँ ये कुछ कहना किसी के विषय में कुछ नहीं है। यहाँ की जो भी मन्नतें मानने आते हैं उनकी श्रद्धा भाव से उनकी पूर्ति होती है और जो यहाँ का अहित करने को सोचता है उसका अहित उससे पूर्व हो जाता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही सामने प्रकट हुआ है, लोगों ने महसूस किया है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मंदिर प्रांगण में, जो मंदिर में देवी देवता हैं उनका फिलहाल हम अभी जो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जूता पहने हुए हैं, हम आपको बाहर से दिखाएंगे कि अंदर में किस किस देवताओं की प्रतिमा है, फिलहाल बाहर से दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे
ये जो यहाँ पे आयोजक मंडल हैं जिनके द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है, हम आप उसके भी दिखाएंगे। पहले सबसे पहले हम मंदिर के बाहर चलते हैं, तो वही कैमरामैन से कहेंगे मंदिर के बाहर आइए आप लोग। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि मंदिर गेट से बाहर थोड़ा और अंदर जाके देवी देवताओं का लुक जो होता है आप उसको दिखा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे मंदिर के पुजारी राधेश्याम शास्त्री जी मौजूद हैं, हम उनसे भी वार्ता करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि वह यहाँ पे कितने साल से मौजूद हैं और कितने साल रहकर मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तब तक हम चलते हैं कार्यक्रम आयोजक विनय जायसवाल जी, जो यहाँ पे हर साल रहकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और काफी मेहनत करते हैं और लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है। तो विनय जायसवाल जी से हम चल के वार्ता करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। जी धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा आप मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो आप यहाँ पे कार्यक्रम कितने दिन से आयोजित कर रहे हैं और आपके अंदर खिचड़ी भोज का आयोजन करने की आस्था कब से जगी, आप इस बारे में जरा दर्शकों को बताइए। ये 15 साल से हम लोग यहाँ खिचड़ी भोज भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम मोहल्ले के 5 लोग 6 लोग मिलकर ये सामूहिक भंडारा करते हैं हमेशा। तो आपके अंदर इस कार्यक्रम को खिचड़ी भोज करने की इच्छा कब से जागृत हुई और क्यों आपके अंदर ऐसा क्यों महसूस हुआ कि इस मंदिर में खिचड़ी भोज का आयोजन करना चाहिए? यहाँ रामगंज में कहीं नहीं होता था लगभग खिचड़ी भोज भंडारे का और बहुत पहले से हम लोगों की यही मन था कि यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम हो। ये मंदिर बहुत सुनसान था, एक तरफ मंदिर में कोई आता जाता नहीं था उस समय, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होते हुए इसीलिए खिचड़ी भोज प्रोग्राम किया हम लोगों ने। उसके बाद तब से अनेकों प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम जो आयोजित होता है ये 5 ही लोग मिलकर किया जाता है कि और इसमें लोग सहयोग किया जाता है, क्योंकि हर बार यहाँ पे कंबल का भी वितरण किया जाता था, तो क्या ऐसी यहाँ पे कंबल वितरण की या कुछ ऐसी दान देने की कोई यहाँ पे व्यवस्था है इस बार? इस बार नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये इंद्रजीत यादव हमारे मित्र हैं, ये 2 दफ़ा कम्बल और वस्त्र तमाम चीज़ ऐसे बांटे हैं। अब की यहाँ नहीं है, अब की वो अपने गोवा गए हुए हैं जहाँ वो काम करते हैं। आप ये बताइए अंत में अंतिम सवाल, यहाँ पे कितने लोगों का जमावड़ा लगता है और कितने लोगों का यहाँ पे खिचड़ी भोज बनता है, आप इस बारे में बताइए, और कितने श्रद्धालु आते हैं कि इस खिचड़ी को ग्रहण करते हैं? लगभग इसमें 1500 आदमी आते हैं, मिनिमम 500 आदमी, कम से कम 500 आदमी 1000 आदमी का भंडारा रहता है। तो अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा यहाँ का पूरा बैकग्राउंड आप लोग दिखा दीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे खिचड़ी बन रहा है और कितने लोग खा रहे हैं, पूरा दृश्य आप यहाँ पे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे लंबी भीड़ होनी है और भीड़ अभी से शुरू हो गई है। लोग बूढ़े बच्चे जवान जिसको भी जानकारी है जिसको भी नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम ये कई सालों से चल रहा है और लोगों को जानकारी रहती है कि यहाँ पे हर बार हर साल खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाएगा, तो लोग यहाँ पे खिचड़ी भोज करने आते हैं, खिचड़ी भोज को खाते हैं, उसमें सहयोग भी करते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। तो अभी इस बारे में हम जानकारी करेंगे, मंदिर के महंत भी हैं, राधेश्याम शास्त्री भी हैं, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, लेकिन अभी हमारे कैमरामैन आप लोगों को दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर के पुजारी राधेश्याम शास्त्री जी आ गए हैं, तो आपका न्यूज़ 524 में बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। जी, ऐसी मान्यता है कि 14 जनवरी 2022 आज तारीख है 14 जनवरी 2022 और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और सूर्यदेव का उत्तरायण होना देवताओं का दिन माना जाता है। जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं वह दिन देवताओं का होता है और इस दिन लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और दान भी करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये पवित्र पावन अवसर है ये मकर संक्रांति का दिन, और इस अवसर पर जो है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मेरा विश्वास है कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शाम तक चलेगा, यहाँ पे आएंगे लोग खिचड़ी भोज का आयोजन करेंगे, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी होती है और यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जाता है, तो लोग मेन यहाँ पे आते हैं, खिचड़ी भोज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और उसको खाते हैं। चलिए ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे और लोगों से वार्ता करते हैं। तो हमारे बीच में रामगंज के ही समाज से भी डॉक्टर अशोक तिवारी जी, जो हमारे पिताजी भी हैं, हम इनसे भी वार्ता करेंगे, क्योंकि ये बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानकारी करेंगे मकर संक्रांति जो यहाँ पे रामगंज में राम जानकी मंदिर में मनाई जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? श्री राम जानकी मंदिर घुसाए गए के प्रांगण में विगत करीब 15 साल से
मोहल्ले वासियों के अगल बगल के सर्वहारा लोगों से सहयोग से ये खिचड़ी भोज कार्यक्रम किया जा रहा है। ये खिचड़ी भोज कार्यक्रम करीब दोपहर 12 बजे शुरू होकर के शाम को अनवरत चलता रहता है। इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में बच्चे बूढ़े जवान सभी लोगों का खिचड़ी भोज कार्यक्रम को उसको तैयार करने में और खिलाने में सबका बराबर का सहयोग रहता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंदिर के ही मालिक भी हैं, इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, हेमंत गुप्ता जी हैं और ये व्यापारी नेता भी हैं, तो इनसे भी हम जानकारी करते हैं कि यहाँ पे जो खिचड़ी भोजन किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। खिचड़ी भोज का आयोजन कई सालों से किया जा रहा है और इस आयोजन के पीछे जो कार्यक्रम आयोजक हैं आप उनको क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, जो आयोजन करते हैं हम लोगों का सहयोग भी रहता है, मोहल्लेवासी का सहयोग रहता है, सभी लोग सहयोग करके बढ़िया से हजारों की संख्या में खाते हैं। लेकिन इस समय इस तरीके से खिलाया जा रहा है कि प्रशासन के बात को मद्देनजर रखते हुए कोविड काल चल रहा है तो थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कम व्यवस्था में काम। कोई समस्या नहीं है, जहाँ पे 14 जनवरी है सूर्यदेव का उत्तरायण होता है और यहाँ पे आज का दिन सूर्यदेव का ही होता है, देवी देवताओं का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खिचड़ी भोज किया जा रहा है क्योंकि अगर लोग यहाँ पे मास्क लगा के आएंगे तो यहाँ पे खिचड़ी भोज का प्रसाद जो कैसे ग्रहण करेंगे, इसमें प्रशासन को भी कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए जहाँ तक हमें लगता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं है, प्रशासन ने तो स्पष्ट कहा भाई देखिए स्वयं बचिए, प्रशासन के गाइडलाइनों का पालन कीजिए और हम लोग स्वयं बच रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया और ऐसे ही यहाँ कार्यक्रम अनवरत हर साल की भांति चलता रहे। न्यूज़ 5/24 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी।